नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कर्पूरी ठाकुर महाअभियान की शुरुआत जो है वो बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कर दी है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की है जब रथ को रवाना कर रहे हैं मुकेश सहनी फ्लैग ऑफ करके। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी मांग मुकेश सहनी की तरफ से की गई है और इस महाअभियान का मकसद ये है कि ये पूरे बिहार में घूमेगी, लोगों के पास जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी और संकल्प पत्र जो है वो लोगों से लिखवाएगी। आखिर क्या इस संकल्प पत्र में होगा, आगे आप वीडियो में देखिए मुकेश सहनी इस महाअभियान के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं दायरा नहीं भरने के कारण उसमें बहुत सारे ऐसे जाति है जो शून्य है, एक बीपीएससी में एक अपने बच्चे को SDO तक नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 18% से बढ़ाकर 33% अति पिछड़ा कोटा में आरक्षण करे और राज्य सरकार ये कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास पूरा शक्ति है, पावर है। अन्य राज्य में, भारत में बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पे 69% तक आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों का पूरा मांग है और अति पिछड़ा समाज से समर्थन हम लोग जुटा रहे हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कोटा बढ़ाए, नहीं तो हम लोग उनके कर्पूरी जी के बताए हुए रास्ते पे संघर्ष करेंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जिस सरकार बनेगा उस निश्चित तौर पे डिसीजन लेने का पावर VIP पार्टी के पास होगा और हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय करेंगे, उनको आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज ये जो रथ निकला है ये 50 लाख समर्थन पत्र जुटाएंगे पूरे बिहार से अति पिछड़ा के घरों से, उसके साथ साथ 10 लाख लेटर अति पिछड़ा के घर पे हम लोग भेजने का काम करेंगे समर्थन जुटाने के लिए। उसके साथ ही अगले महीने में मार्च 25 मार्च को 101 बाइक के साथ युवा को हम लोग लॉन्च करेंगे, मेगा लॉन्चिंग होगा जो हर अनुमंडल में जाके हर एक एक घर तक पहुंचेंगे और हमारे लोग अब वहां पे एक एक अति पिछड़ा का बेटा को इस मुहिम से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2024 से पहले जिनको दिल्ली में सत्ता पावर में आना है, 40 लोकसभा से जीतना है, तो अति पिछड़ा का बेटा के साथ न्याय करें और अति पिछड़ा का कोटा को बढ़ाएं। उनके साथ आने वाले समय में अति पिछड़ा समाज 2024 में हो रहेगा। अगर अति पिछड़ा को कोटा नहीं बढ़ाया जाएगा तो अति पिछड़ा का बेटा संघर्ष करेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेगा। मुकेश सहनी जिंदाबाद। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं हुई, जो मांगे आपकी हैं, तो आप NDA से भी बगावत कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये सरकार हमारी है, NDA मतलब VIP पार्टी है, JDU है, हम है और JDU है, ये सरकार हमारी है और आज हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने सरकार के टॉप नेतृत्व जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि उनसे मांग ही कर सकते कि आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे जाति को नाम को जोड़ा है लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया है, ये सरकार का फर्ज और कर्तव्य है कि कोटा बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये जब VIP पार्टी अपने वजूद में पहुंच जाएगा तो खुद डिसीजन लेंगे और वो हम काम करेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोटा बढ़ाएं। सदन में इस बात को उठाएंगे क्या? सदन में देखिए सरकार हम है, सरकार में हम कहाँ, हम तो बात उठा ही रहे हैं, TV मीडिया पेपर के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को गांव-गांव में बोल रहे हैं घूमिए और संघर्ष कीजिए और अपने दम पे सरकार बनाइए और आप पूरा कीजिए। तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में सरकार है तो सबके राय विचार से ही सरकार निर्णय लेंगे, तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करेंगे। निषाद आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोटा बढ़ाएं। सदन में इस बात को उठाएंगे क्या? सदन में देखिए सरकार हम है, सरकार में हम कहाँ, हम तो बात उठा ही रहे हैं, TV मीडिया पेपर के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को गांव-गांव में बोल रहे हैं घूमिए और संघर्ष कीजिए और अपने दम पे सरकार बनाइए और आप पूरा कीजिए। तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में सरकार है तो सबके राय विचार से ही सरकार निर्णय लेंगे, तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करेंगे। निषाद आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अति पिछड़ा का कोटा बढ़े उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में 19 लाख युवा को रोजगार मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा बिहार बेहतर हो, टॉप 10 में बिहार आए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम बिहारी होने के नाते हम चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो तमाम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के हर साथी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जब भी संघर्ष की बात होगा तो मुकेश सहनी रोड पे होगा। आंदोलन करने के लिए सड़क उतरेंगे क्या? UP चुनाव में हम 100 से अधिक सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और कल से मेरा पश्चिम में दोबारा दौरा चालू होने के लिए जा रहा है। एक जोन हमने 2 और 3 के लिए हमने प्रचार कर लिया, अभी कल से हमारा तीसरा चरण के लिए दौरा होगा और कल आगरा से हम दौरा पे निकलेंगे। नाम रहेगा।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।